दोस्तों फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्यप्रदेश अति ज्वाइनिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है दोस्तों GFMs एम एस पोर्टल पर जो भी कैंडिडेट नए अति शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का वेट कर रहे थे मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे फाइनली दोस्तों बता दें आज उनका इंतजार अभी अभी बिल्कुल समाप्त हो चुका है क्योंकि जीएफ एस पोर्टल पर दोस्तों एक बड़ा ही अपडेट आ चुका है आप लोगों के लिए जो नई ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे दोस्तों देख रहे हूँ अभ्यर्थी जरूर से जरूर इस पूरी वीडियो को देखें क्योंकि दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला काफी ज्यादा कमेंट आप लोगों का आता रहता है कि नई ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी दोस्तों तो बता देते हैं बिल्कुल आज अभी नया नया अपडेट आ चुका है नई रिक्वेस्ट होने लगी है जितने भी अभ्यर्थी हों और इसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे काफी दिनों से और काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे काफी ज्यादा कमेंट आप लोगों के आ रहे थे ज्वाइन रिक्वेस्ट करना होगा आपको जैसे ही दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट में पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम पर तो एक आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी का पासवर्ड शो होगा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसी लॉगिन आईडी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जैसे ही दोस्तों अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको सिस्टम देखने को मिलेगा जैसे ही दोस्तों इस पर आप पाएंगे तो किस नया इंटरफेस होगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जहाँ पे जैसे दोस्तों आप थंबनेल में देख चुके होंगे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ देख लें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक क्ले करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पहले दो ऑप्शन हुआ हो कर रहते थे, थे। जिसे बात करें तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी पर और अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म अब दोस्तों तीसरा जो नए अभ्यर्थी हैं ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर आई टी थ्री संस्कृत टू पैनल जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी कैंडिडेट पहले से ज्वाइनिंग किए होंगे जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यह सुविधा सिर्फ एस एस थ्री आई टी एस एस टू संस्कृत पैनल अतिशिक्षक में दी गई है उन अतिथियों के लिए है वर्ग दो में और एस एस थ्री आई टी विषय में पैनल जिनका तैयार नहीं था जो पहले ज्वाइन कर चुके थे उन अभ्यर्थियों के लिए है इसके बाद दोस्तों इन अभ्यर्थियों को क्या क्या करना होगा तो देखने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा इसके बाद तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक कैंडिडेट का यहाँ पे लॉग हो चुका है और आपको यहाँ पे देख लें आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और जितने भी अभ्यर्थियों इसी प्रकार जब उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों आपको एक नए ऑप्शन पर आना होगा अपलोड ज्वाइनिंग फार्म पर यहाँ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा देख लें यहाँ पे रिफरेंस कोड आपको यहाँ पे अपना अपना रिफरेंस कोड अपने जो मिलेगा तो यहाँ डालना है और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कैप्चर कोड डाल देना है और इसके बाद सबमिट कर देना है आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से दोस्तों अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं